हेलो दोस्तों, तो चलिए हम लोग बात करते हैं आज जो दिल टिड्डी दल का हमला हुआ है इसी से संबंधित ये आर्टिकल है आपका, ठीक है। इसके बारे में सभी पक्ष देखेंगे हम लोग। हाल ही में पाकिस्तान और सोमालिया ने टिड्डे की आपात स्थिति घोषित की है। पिछले कुछ हफ्तों के दौरान पश्चिमी और दक्षिणी एशिया और पूर्वी अफ्रीका में कई देशों में टिड्डों का अतिक्रमण हुआ है। भारत में पाकिस्तान में रेगिस्तानी क्षेत्र से निकलने वाले टिड्डों के हमले से राजस्थान और गुजरात के कुछ हिस्सों को नुकसान पहुंचा है, जिससे खड़ी फसल को भारी नुकसान हुआ है, ठीक है। ये टिड्डे हैं क्या आखिर? टिड्डे एक्रिडिडे परिवार की प्रजाति का एक संग्रह है जो एक समूह में चलन करते हैं। ये कीड़े आमतौर पर एकांत में होते हैं, लेकिन कुछ विशेष परिस्थितियों में भी अधिक प्रचुर मात्रा में हो जाते हैं। अपने व्यवहार और आदतों को बदल देते हैं, जो कि आमजन हेतु दुष्कर हो जाता है। टिड्डे और टिड्डे की प्रजातियों के बीच कोई टैक्सोनॉमिक भेद नहीं किया जाता। परिभाषा के आधार पर क्या एक प्रजाति आंतरायिक रूप से उपयुक्त परिस्थितियों में झुंड बनाती है? ये टिड्डे सामान्यतः शांत होते हैं, उनकी संख्या कम है और वे कृषि के लिए एक बड़ा और आर्थिक खतरा पैदा नहीं करते हैं। हालांकि तेजी से वनस्पति विकास के बाद सूखे की उपयुक्त परिस्थितियों में उनके दिमाग में सेरोटोनिन परिवर्तनों का एक नाटकीय क्रम चलाता है। वे बहुतायत से प्रजनन करना शुरू कर देते हैं, ग्रेगोरियस और खानावदोश बन जाते हैं। जब प्रवासी आबादी के रूप में वर्णित होते हैं तो उनकी आबादी काफी घनी हो जाती है। वे पंखीन स्वार्म्स के बैंड बनाते हैं जो बाद में पंख वाले वस्कों के झुंड बन जाते हैं। दोनों बैंड और स्वार्म्स चारों ओर घूमते हैं, तेजी से पट्टी खाते खेतों और फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं। वस्क शक्तिशाली उड़ान भरने वाले होते हैं, वे बड़ी दूरियों की यात्रा कर सकते हैं तथा झुंड में निवास करते हैं। अधिकतम हरी वनस्पतियों का सेवन करते हैं जो फसलों को बहुत ही नुकसान पहुंचाते हैं। इसका बात करते हैं हम लोग विश्व व्यापी वितरण। संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन FAO ने वर्तमान में टिड्डे की गतिविधियों में खतरे हेतु 3 हॉटस्पॉट की पहचान की है, जहां स्थिति को अत्यंत खतरनाक कहा गया है। ये क्षेत्र हैं हॉर्न ऑफ अफ्रीका, लाल सागर क्षेत्र और दक्षिण पश्चिमी एशिया। हॉर्न ऑफ अफ्रीका को सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्र कहा गया है, जहां FAO ने कहा है कि यह खाद्य सुरक्षा और आजीविका के लिए एक बहुत अभूतपूर्व खतरा है। इथोपिया और सोमालिया के टिड्डी दल ने दक्षिण की ओर केन्या 10 अन्य देशों की यात्रा की है। इथोपिया की रिफ्ट वैली भी कीटों की चपेट में आ गई है। 25 साल में इथोपिया और सोमालिया पर अतिक्रमण का प्रकोप सबसे दयनीय है। यह पिछले 70 वर्षों में केन्या में सबसे विवादपूर्ण घुसपैठ है। FAO ने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय मदद के अभाव में पूरे क्षेत्र में टिड्डी संख्या जून तक 500 गुना बढ़ सकती है। लाल सागर क्षेत्र में सऊदी अरब, ओमान, यमन में टिड्डियां आ गई हैं। स्वारम को भारत पाकिस्तान सीमा से यहां पहुंचने के लिए माना जाता है। दक्षिण पश्चिम में एशिया टिड्डियों के झुंडों ने ईरान, भारत पाकिस्तान में नुकसान पहुंचाया है। बात करते हैं भारत और टिड्डियों के बारे में। भारत में टिड्डियों की 4 प्रजातियां पाई जाती हैं। पहली है मरुस्थली टिड्डे, इसे कहा जाता है सिस्टोटेरिका ग्रेजिया, फिर प्रवासी टिड्डी टिड्डा माइग्रेटोरिया, फिर बॉम्बे टिड्डे, ये नोमाडरिक सुरकेटा ट्री टिड्डी, ये एनाकिडियम एसपी है, ठीक है। रेगिस्तानी टिड्डों को भारत के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सबसे विनाशकारी कीट माना जाता है, जिसमें एक छोटे झुंड में 1 वर्ग किलोमीटर में एक दिन में 35,000 लोगों के समान भोजन का उपयोग करने में सक्षम है। याद रखिए, 1 वर्ग किलोमीटर में एक दिन में
35,000 लोगों के समान भोजन का उपभोग करने में सक्षम है ये टिड्डे। एक दिन में जितना 35,000 लोग खाना खाते हैं उतना उपभोग कर सकते हैं। विशाल टिड्डे स्ट्रॉम भारत के उत्तरी हिस्से में आए थे। माना जाता है कि ये राजस्थान सीमा के माध्यम से पाकिस्तान से आगमन करते हैं। इन कीड़ों में ने हेक्टर के खेत और फसलों को नुकसान पहुंचाया। राजस्थान और गुजरात सबसे अधिक प्रभावित राज्य हैं। टिड्डियों ने राजस्थान के 10 जिलों में कम से कम 3.6 लाख हेक्टर क्षेत्र में फसलों को नुकसान पहुंचाया, जिससे यह पश्चिमी राजस्थान 60 वर्षों में कीटों के सबसे लंबे और सबसे दयनीय हमले की श्रेणी में आ गए। इनके उपचारात्मक तकनीक की बात करते हैं, इनका उपचार क्या है आखिर? तो सबसे पहले निगरानी। टिड्डी आबादी को नियंत्रित करने की तकनीक अब उपलब्ध है, लेकिन संगठनात्मक और वित्तीय और राजनीतिक समस्याओं के साथ इसे दूर करना मुश्किल हो सकता है। निगरानी क्षति को कम करने की कुंजी है, जिसका उद्देश्य प्रारंभिक पहचान और बैंड के उन्मूलन है। आदर्श रूप से झुंड के चरण तक पहुंचने से पहले खानाबदोश बैंड का अपर्याप्त अनुपात कीटनाशक के साथ इलाज किया जा सकता है। इस उद्देश्य तक पहुंचना मोरक्को और सऊदी अरब जैसे अमीर देशों में संभव हो सकता है, लेकिन पड़ोसी गरीब देश मोरिटानिया, यमन आदि के पास संसाधनों की कमी है और यह पूरे क्षेत्र को खतरे में डालने वाला टिड्डियों के स्रोत के रूप में कार्य कर सकते हैं। अंततः इस विषय पर भी अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की आवश्यकता है। दुनिया भर के कई संगठन टिड्डियों से खतरे की निगरानी करते हैं। भविष्य में निकट भविष्य की में विपत्तियां झेलने की संभावना वाले क्षेत्रों का पूर्वानुमान प्रदान करते हैं। ऑस्ट्रेलिया में यह सेवा ऑस्ट्रेलियाई फ्लैग टिड्डी आयोग द्वारा प्रदान की जाती है। यह विकासशील विकोपों से निपटने में बहुत सफल रहा है। कहीं और से टिड्डियों के आक्रमण की निगरानी और बचाव के लिए एक परिभाषित क्षेत्र का होना अत्यंत लाभदायक है। मध्य और दक्षिण अफ्रीका के लिए अंतर्राष्ट्रीय टिड्डी नियंत्रण संगठन द्वारा प्रदान की जाती है। पश्चिमी और उत्तर पश्चिमी अफ्रीका में सेवा को खाद्य और कृषि संगठन द्वारा पश्चिमी क्षेत्र में डिजर्ट टिड्डी को नियंत्रित करने के लिए समन्वित किया जाता है और संबंधित प्रत्येक देश से संबंधित टिड्डी नियंत्रक एजेंसियों द्वारा निष्पादित किया जाता है। FAO काकेशस और मध्य एशिया की स्थिति में पर भी नजर रखता है, जहाँ 25 मिलियन हेक्टेयर से अधिक खेती योग्य जमीन खतरे में है। ठीक, इनके नियंत्रण की बात करें नियंत्रण में जब टिड्डी नियंत्रण की आवश्यकता होती है तो जल आधारित संपर्क कीटनाशक के साथ ट्रैक्टर आधारित स्प्रेयर का उपयोग करके जल्द लक्षित किया जाता है। यह प्रभावी है लेकिन धीमा और श्रम गहन है, और जहां संभव हो कीटों या वनस्पतियों पर विमान से केंद्रित कीटनाशक समाधानों का छिड़काव करना जिस पर भी भोजन करते हैं अधिक उपयोगी होगा। ठीक है, फिर ओवरलैपिंग स्टेप स्वेट्स में विमान से संपर्क कीटनाशकों के अल्ट्रा विलो वॉल्यूम छिड़काव का उपयोग करके खानाबदोश बैंड के खिलाफ प्रभावी है। इसका उपयोग भूमि के बड़े क्षेत्र का तेजी से नाश करने के लिए किया जा सकता है। टिड्डी नियंत्रण की योजना बनाने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली अन्य आधुनिक तकनीकों में GPS, GIS उपकरण और उपग्रह इमेजरी शामिल हैं, और कंप्यूटर तेजी से डेटा प्रबंधन और विश्लेषण प्रदान करते हैं। 1997 में एक बहुराष्ट्रीय टीम द्वारा पूरे अफ्रीका में टिड्डियों को नियंत्रित करने के लिए एक जैविक कीटनाशक का परीक्षण किया गया था। विजनन क्षेत्र में छिड़काव किए गए मैथेरिजियम एसिडियम के सूखे कवक बीजाणु अंकुरण पर टिड्डी एक्सोस्केलेटन को छेदते हैं और शरीर की गुहा पर आक्रमण करते हैं, जिससे मृत्यु हो जाती है। फफूंद कीट से कीट में पारित हो जाते हैं और क्षेत्र में बनी रहती है, जिससे बार बार उपचार अनावश्यक हो जाता है। टिडानिया नियंत्रण के लिए इस दृष्टिकोण का उपयोग 2009 में तंजानिया में वयस्क टिड्डियों से पीड़ित इकू कटावी राष्ट्रीय उद्यान में लगभग 10,000 हेक्टर
भूमि के उपचार के लिए किया गया था, जिससे प्रकोप नियंत्रित था तथा क्षेत्र में मौजूद हाथियों, दरियाई घोड़ों, जिराफों को कोई नुकसान नहीं हुआ था। टिड्डी नियंत्रण में अंतिम लक्ष्य निवारक और सक्रिय तरीकों का उपयोग है, जो पर्यावरण को कम से कम संभव हद तक बाधित करता है। इससे कई क्षेत्रों में कृषि उत्पादन आसान और अधिक सुरक्षित हो जाएगा, जहां बढ़ती फसलों का स्थानीय लोगों के अस्तित्व के लिए महत्वपूर्ण बात है। फिर आगे प्राकृतिक रूप से उत्पन्न होने वाले फफूंद मैथिर रिजियम द्वारा मारे गए टिड्डे जैविक नियंत्रण के पर्यावरण के अनुकूल साधन है। ठीक, तो यह है आपका टिड्डी जो फसलों को काफी मात्रा में राजस्थान गुजरात में आपका नुकसान पहुंचा चुकी है। ठीक है, इनके नियंत्रण थे उपाय जो भी समस्याएं थी सभी पक्ष देख लिए। ठीक है।